दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक और हमें अच्छे अच्छे गुण देने वाला, अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला, शिक्षा के संबंधी, रोजगार के संबंधी, जीवन विकास के संबंधी, आध्यात्म के संबंधी, शिक्षा के संबंधी, योग के संबंधी, हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उसको किस तरीके से हम उठा सकते हैं, उसके लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम बना है। तो पुनरुत्थान कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय को हम होलिस्टिक बनाते हैं, शोध परक बनाते हैं, सांगोपांग बनाते हैं, ताकि वो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सके। तो आज हम एक बहुत दार्शनिक विषय लेकर के, अपनी जो है वो मन की शुद्धि का विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है कि मन की शुद्धि मंत्र जप तप की साधना के द्वारा। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है ये। मन की शुद्धि की बात कही गई है, तो मैं ये चलना चाहूँगा कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर जो हमारा दिखाई देता है उससे हम प्रारंभ करते हैं। इस शरीर के बाद में इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर पांच इंद्रियां हैं। सबसे पहले वो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, पांच इंद्रियों के 23 विषय है। और इंद्रियां हमारे जो बाह्य जगत है, उस जगत के अंदर जितने जितने भी हमारे कार्यकलाप होते हैं, सुख दुख होता है, और हमें जितना भी आनंद की प्राप्ति होती है या हमें भोग विलास की सामग्री मिलती है, उन सब चीज़ों को इंद्रियां ग्रहण करती है और ग्रहण करके मन को दे देती है। ये इंद्रियों का काम, मन एक मैनेजर का काम करता है, एक नियोजक का काम करता है। मन के दो कार्य होते हैं। मन का एक कार्य ये होता है कि इंद्रियों के द्वारा जो विषय मन को दिए जाते हैं, प्लानिंग के लिए दिए जाते हैं, उसके ऊपर वह सारी अपनी सांगोपांग जो है वो प्लानिंग करता है और आगे बुद्धि को देता है। मन भी फाइनल अथॉरिटी नहीं है, वो तो मैनेजर है। फाइनल अथॉरिटी तो अभी बहुत दूर है। और मन का दूसरा काम है कि वह भूतकाल की स्मृति के अंदर जा सकता है, वर्तमान काल का चिंतन कर सकता है, और वह भविष्य की जो है वो कल्पना के अंदर भी उड़ सकता है। ये मन का कार्य है। मन के ऊपर चलें तो मन के बाद हमारी बुद्धि आती है। जो मैनेजर का काम मन करता है, इंद्रियों के द्वारा जो विषय दिए जाते हैं उन सब को लेकर के, और वह बुद्धि को दे देता है। बुद्धि एक निर्णय का काम करती है, बुद्धि एक जज का काम करती है, जजमेंट करती है। ये बुद्धि की ड्यूटी है, ये बुद्धि की नेचर है। और वह अगर अच्छा निर्णय करती है तो सुबुद्धि कहलाती है, और बुरा निर्णय करती है तो कुबुद्धि कहलाती है। जैसे कि हमारा जज है, अगर न्यायपूर्ण न्याय देता है तो अच्छा जी कहलाता है जज, और अगर पक्षपातपूर्ण भ्रष्टाचार करके न्याय देता है तो बुरा न्यायाधीश कहलाता है। तो ये हमारी बुद्धि की बात होगी। और बुद्धि के ऊपर जो है हमारा चित्त होता है, देखिए विक्षिप्त होता है चित्त। चित्त का काम है दृश्य दिखाना। जो हमने पूर्व जन्म के अंदर जो जो कर्म किए हैं, और जो कर्म जब उदय में आते हैं उसके दृश्य सारे जो है चित्त के अंदर बनते हैं। चित्र जो है दृश्य बना बताता है, और चित्त है वो चेतना की शक्ति है। चित्त है वो हमारी आत्मा, जो चेतना उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये चित्त जो है हमारा ये जो बाहरी शरीर, स्थूल शरीर है, उस पर कार्य करता है। और इसीलिए हमारी आत्मा को कहा गया है अनंत चित्तों वाली है। यानी हमारी आत्मा जो है हर एक एक कोशिका को शक्ति देती है। इसीलिए जो हमारा पावर का पुंज है, ज्ञान का जो पुंज है, ज्ञान की जो फैक्ट्री है, ज्ञान का जो भंडार है, वो आत्मा है। और वह ज्ञान जो है एक ही कोशिका और हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को, और हमारे मन को, और हमारे चित्त को देती है, हमारी प्रज्ञा को देती है। तभी ये सक्रिय कार्य कर सकते हैं। और बिना आत्मा की हाजिरी के कुछ भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें डेड हो जाती है, डेड बॉडी कहलाती है। जिस तरीके से देखिए कि बहुत बड़ी मशीनरी है,
उस मशीनरी के अंदर बहुत लंबा चौड़ा कार्य कर सकती है, लेकिन बिजली प्रवाहित ना हो तो मशीनरी डेड हो जाती है। तो बिजली का काम है हमारी आत्मा करती है, चेतना का काम करती है। अब उसके ऊपर एक प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा आत्मा की प्रतिनिधि होती है, वह कभी गलत काम नहीं करती, वो एकदम हमेशा हमेशा निष्पक्ष जजमेंट देती है, और वो आत्मा की शुद्धि का रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण वो जो है हमेशा आत्मविकास की बात करती है। और बुद्धि जब भटक जाती है, बुद्धि को सही ठिकाने लाती है, और उसके बाद में अहंकार भी होता है। अहंकार जो है वो ये कार्य कराता है, सारा निर्णय कराता है, सब कुछ होने के बाद में अहंकार कहता है कि मैं करने वाला, मैंने किया, ये मेरा है, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, पद मेरा, प्रतिष्ठा मिला, और अहंकार के वशीभूत होकर के हम सारा कार्य करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, इन सब चीज़ों के अंदर जो कॉमन है वो मन है, इसलिए मन की शुद्धि की बात कही जाती है। और लोग प्रश्न हमेशा पूछते हैं कि हम जो है जब कभी भी ध्यान करने बैठते हैं, कभी भी ब्रह्म की भगवान की भक्ति करने बैठते हैं, तो हमारा जो मन है वह बहुत भटकता है, और यूं काम करते नहीं भटकता है, लेकिन जो ही ध्यान की मुद्रा में ईश्वर भक्ति के समय वो कहीं का कहीं चले जाता है और हमें चंचल बना देता है विचारों को। मन के लिए भी कहा भी गया है, मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। अब सवाल ये है कि मन की हम शुद्धि कैसे करें। मन की शुद्धि करने के लिए आज के एपिसोड के अंदर जो हमने लिया है, मंत्र जप और तप, इनकी साधना के द्वारा मन की शुद्धि होती है। मन शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा अहंकार शुद्ध होगा, अहंकार शुद्ध होगा हमारी आत्मा शुद्ध होगी। ये अहंकार क्या है? ये अहंकार में राग और द्वेष है। मन की शुद्धि करने से हमारा राग द्वेष शांत हो जाएगा। प्रियता और अप्रियता के जो दो चश्मे पहन रखे हैं, हमारा तीसरा नेत्र खोल देता है मंत्र जप और तप। हम जो थर्ड आई जब खुल जाती है, वो समता की आई है, वो इक्विलिब्रियम की आई है, और वो आई जो है हमारी, हमें एकदम संभाव में रहती है। यानी हम प्रियता से भी हट जाते हैं, अप्रियता से भी हट जाते हैं, और संभाव में यानी दोनों को एक जैसा समझते हैं। लाभ हानि, सर्दी गर्मी, कष्ट और जो है आराम और प्रतिष्ठा और तिरस्कार, सब को हम एक जैसा समझने लग जाते हैं। और जो एक जैसा समझने लग जाता है वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। तो उसके साधन बताए गए हैं, मंत्र जप और तप। देखिए हर धर्म के अपने अपने मंत्र होते हैं। ओम नमः शिवाय, वो ये शिव को मानने वालों का बहुत बड़ा मंत्र होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान कृष्ण को मानने वालों का बहुत बड़ा मंत्र है। नमो नमकार मंत्र है, जैन लोगों का मंत्र है। इस तरीके से हर धर्म का अपना अपना मंत्र है। उस मंत्र की चांटिंग करने से, उस मंत्र का बार बार जाप करने से, ये माला क्यों बनी है, ये माला जो है उन मंत्रों का जाप करने के लिए माला बनी है। कि एक माला का मणका चालू हुआ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दूसरा तीसरा मलका ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो रियंताणं, नमो सिद्धाणं, इस तरीके से मन के चलते रहते हैं। ये गिनती के लिए मन के 108 होते हैं, क्योंकि प्रभु के ईश्वर के गुण 108 है। उन गुणों को हम जो है मंत्र के द्वारा याद करते हैं। मंत्र से हमारी एकाग्रता होती है, और मन जो चंचल होता है, जो भटकता होता है, वो उस मन के अंदर स्थिर, मन है उस मंत्र के अंदर स्थिर हो जाता है। इसीलिए मंत्र की साधना को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, एकाग्रता लाने के लिए, चंचल मन को अंकुश करने के लिए। ये महावत का कार्य करता है। महावत क्या करता है? मदोन्मत्त हाथी हो जाता है, तो उसके ऊपर अंकुश लगाता है। अंकुश लगाने से मदोन्मत्त हाथी नियंत्रण में रहता है। तो मन को नियंत्रण में करने के लिए मंत्र की साधना होती है। अब जप की साधना,
जप और मंत्र। मंत्र तो एक तरह का उच्चारण करने का होता है, और जप है दो तरीके से किया जाता है। एक तो हम बोल करके करते हैं, जैसे माने बोला ओम नमः शिवाय, और एक हम भीतर ही भीतर बिना बोले मानसिक स्तर पर ओम नमः वाइब्रेशंस देखते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वाइब्रेशन जारी है, वाइब्रेशन जारी है, यानी मानसिक रूप से जो है हम उनका मंत्र का जाप करते हैं, बिना बोले हुए जाप करते हैं, वह जप कहलाता है। जप भी अच्छा है, जप से हमारी जो लेशाएं हैं वो शुद्ध होती है, जप के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, और सारा जगत जो है ये वाइब्रेशंस का बना हुआ है। जो जिन्होंने विज्ञान को पढ़ा है, साइनोसोडल वेव्स होती है, ये वेव्स चलती रहती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी वेवलेंथ होती है। उसी तरह से मंत्र की फ्रीक्वेंसी होती है, जप की फ्रीक्वेंसी होती है, और वह चलती रहती है। तो हम जप के द्वारा जो है वो अपने आप को जो है दोनों सब अपने आप को नियंत्रण करने के, एकाग्र करने के, एक पॉइंट पे अपने आप को स्थिर करने के लिए होते हैं। इसलिए मंत्र की साधना और जप की साधना आत्मशुद्धि की साधना है, मन शुद्धि की साधना है। मन शुद्ध होता है तो आत्मा ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाती है। मन को अमन करने की साधना होती है वो मंत्र की साधना है, जप की साधना है। और अमन होने का अर्थ ये होता है हम अपने प्रभु के स्वरूप में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। शुद्ध आत्मा के शरीर नहीं होता है, ये शरीर तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और भुगतान का एक माध्यम है मन वचन काया, और ये सारा माध्यम होता है हमारे विचारों के द्वारा होता है, और विचार वो मन है। इसीलिए कहा जाता मन को बाईपास करो। मन को बाईपास करने के लिए मंत्र की साधना है, जप की साधना है, और तप की साधना है। उसके साथ जुड़ो मत जो ही, क्योंकि विचार 24 आवर्स पूरे जिंदगी भर चलते हैं। हम रात में भी सोते हैं तो भी हमारे विचार आते रहते हैं। सपने क्या है, ये विचार ही तो है, ये विचार आते हैं। विचारों के साथ जुड़ो मत, जब आप विचारों से अलग रहो, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो लक्षण है वो ज्ञाता दृष्टा तटस्थ भाव है, जानना और देखना। जो हमारा विचार है, हमारा जो मन है वो दृश्य है, और मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो उस मन को देखने वाला हूँ, उस विचार को देखने वाला हूँ। मन जड़ है, विचार जड़ है, उन जड़ पर जो जड़ वस्तु को खाली देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ कि ये विचार चल रहा है, उसके साथ जुड़ो मत। जुड़ने से क्या होता है, राग और द्वेष जुड़ता है, वो चंचलता पैदा करते हैं। प्रश्न जो लोग करते हैं कि हम चंचल हो जाते हैं, तो चंचलता ये राग द्वेष पैदा करता है, प्रियता अप्रियता पैदा करती है, और ये प्रियता अप्रियता विचारों के साथ जुड़ने से होती है। आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे, आप जानने वाले देखने वाले अलग रहोगे, विचार अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये शरीर तो फिल्म है, ये विचार तो फिल्म है, मैं तो फिल्म देखने वाला हूँ। और उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारे राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा तो मन कभी भी चंचल नहीं हो सकता है। तो ये मंत्र की साधना, और उसके साथ साथ में जप की साधना की बात बताई, अब तप की साधना। तप क्या है, एक शुद्धिकरण है, एक रासायनिक क्रिया है। तप के द्वारा जैसा हमारे जप के द्वारा वाइब्रेशन शुद्ध होती है, उसी तरह से तप के द्वारा हमारी लेशाएँ शुद्ध होती है। लेशियाएँ 6 तरह की होती है, उन लेशियों के माध्यम से भाव बनते हैं, भाव से विचार बनते हैं जिसको मन कहते हैं, और विचार से हमारा आचार होता है, आचार से हमारा व्यवहार होता है, व्यवहार से हमारा व्यक्तित्व होता है, और जैसा व्यक्तित्व होता है जैसा व्यक्ति बन जाता है। तो ये पूरा एक सर्किट है। तो हमारा तप के माध्यम से जो हमारी 6 लेशियाएँ हैं, 6 कलर्ड लेशियाएँ हैं, 3 प्रशस्त लेशियाएँ हैं
जो भाव बनाती है, जो कि अशुभ भाव बनाती है, नेगेटिव थॉट्स बनाती है, वो अप्रस्थ लेशियाएँ हैं। वो कौन कौन सी है? कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया। और ये भीतर से आता है, ये गंगोत्री से आता है। देखिए ये जो हमारी गंगा है ये कहाँ से आई है? ये सब शिव जी की जटा में से निकली है। भगीरथ जी ने शिव जी से प्रार्थना करके उसको हरिद्वार के अंदर जमीन के ऊपर लाए, लेकिन उसका उद्गम स्थल गंगोत्री है, वो शिव जी की जटा है। उसी तरीके से हमारी जो गंगोत्री है वो हमारा कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, जिसको लिंग शरीर भी कहा जाता, जो कि आत्मा के साथ में फेविकोल की तरह चिपका हुआ है, और वहीं से सारा ये नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है। अगर हमारा पुण्य का उदय होता है तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, पाप का उदय होता है तो नेगेटिव थॉट आते हैं, और नेगेटिव थॉट आने से हमारी अशुभ लेशियाएँ, कृष्णील कापोत, ये डार्क कलती होती है, कृष्ण रंग की होती है, कृष्ण रेशिया होती है, वो ब्लैक कलर की होती है, और वो ब्लैक कलर की रेशिया हिंसा करवाती है, वह लोगों को जान से मारने का बनाती है, और लोगों को किस तरीके से काटा जाए, पीटा जाए, कसाई है वगैरह, ये सारा जो है उस हिंसा के भाव में रहते हैं, वो कृष्ण रेशिया होती है। दूसरी नीली लेशिया होती है, जिसको हम नील लेशिया कहते हैं। ये नील लेशिया उससे थोड़ी सी बेटर होती है, पृष्ठी नीले, डार्क नीले कलर की होती है। इसके अंदर धोखा धड़ी, अच्छा झूठा, माप तोल, चिटिंग, बदमाशी की भावना होती है। और तीसरी लेती होती है कृष्ण नील और कापोत लेशिया, कबूतरी कलर की लेशिया होती है, ये उससे थोड़ी बेटर होती है, लेकिन होती है शुद्ध लेशिया है। ये लेशिया जिसके अंदर आती है, आदमी प्रमाद करता है, पांच इंद्रिय सुख में रहता है, स्वार्थ की दुनिया में चला जाता है, ई ड्रिंक एंड बी मैरी में चला जाता है, धर्म ध्यान नहीं करता, आत्मा का नहीं करता, पूरा जीवन पाँच इंद्रिय सुख के अंदर निकाल देता है। लेकिन हमारी जो प्रशस्त लेशियाँ हैं वो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया है, ये हमारे आत्मा के प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। तेजो लेशिया जो है वह हमारा जो उगता हुआ सूर्य है, पिंक कलर की होती है, और ये ब्राइट लेशियाएँ होती है तीनों, ये वाइब्रेशंस ब्राइट होते हैं, ये कलर्ड होते हैं, और ये भाव गंगोत्री से आते हैं। जब शुभ भाव आते हैं तो ये तेजो लेशिया हमें शांति देती है, हमारे भीतर पीस होती है, मेंटल पीस जो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, ये हमारी तेजोलेशिया देती है। पद्मलेशिया गहरे हल्दी के कलर की जैसी पीले रंग की होती है, और ये ब्राइट कलर की होती है, और ये हमारे जीवन के अंदर जो है वो प्रसन्नता से भर देती है, जीवन आनंदित हो जाता, पुलकित हो जाता है, रोम रोम आनंद से भर जाता है। तो हमारी तेजोलेशिया जो है हमें शांति देती है, पद्मलेशिया जो हमें आनंद लेती है देती है, और शुक्ल लेशिया एकदम वाइट कलर की, ब्राइट वाइट कलर की होती है, ये प्योरिटी होती है, ये एकदम शुद्ध आत्मा के रूप के अंदर होती है। और ऐसी जब ऐसी हमारी भावना होती है तो हम किसी को कष्ट नहीं देते बल्कि मदद करते हैं। ऐसी प्रसन्न लेशिया वाला व्यक्ति जो है वो शुक्ल लेशिया वाला जो है लोगों के परार्थ के अंदर परमार्थ में चला जाएगा, साधु बन जाएगा, लोगों का भला करेगा, परोपकार करेगा, और ग्रस्त जीवन के अंदर है तो खूब चैरिटी करेगा, लोगों के लिए सुख सुविधा ट्रीटमेंट की, हेल्थ की, पढ़ाई की, लिखाई की, और मूक बधिर लूले लंगड़े अपाय जितने भी अपाव अभावग्रस्त लोग हैं उनके प्रति उसके भीतर करुणा का भाव पैदा होगा, और करुणा के पैदा मदद करना चाहेगा, और ईश्वर ऐसे लोगों को साधन भी देते हैं, और उस धन से उन सब की वो मदद करता है। इसी कारण आज हमारा समाज चल रहा है, इतने मंदिर बन रहे हैं, इतनी धर्मशालाएं बन रही है, इतने हॉस्पिटल बन रहे हैं, इतने जो है हमारे रैन बसेरे बन रहे हैं, इतने एजुकेशन की सुविधा हो रही है, ये सब ऐसी ये लेशिया जो है ये शुक्ल लेशिया करवाती है। तो ये हमारे ये सब किससे होता है? तप की साधना से होता है। तप जो है शुद्धिकरण है, शोधन करता है। तप के जो है 12 भेद होते हैं, 6 बाह्य भेद होते हैं, 6 हमारे भीतरी भेद होता है, अनसन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस प्रीता, काय कलेश, प्रतिसलनीनता, ये बाहर के तप हैं। वो भीतर के तप है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत,
स्वाध्याय और ध्यान, इसकी विवेचना में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको विवेचना करने में बहुत बड़ा समय लगेगा। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आज के इस विषय को हम कसौटी पर कसें तो देखेंगे कि आज जो सिनेरियो के अंदर जितना भी बिखराव हो रहा है, जितना बिगाड़ हो रहा है, आज व्यक्ति अशांत है, आज व्यक्ति हिंसा कर रहा है, आज घरेलू हिंसा हो रही है, सामाजिक हिंसा हो रही है और अनैतिक कार्य हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, असंवेदनशील हो रही है, पिता जो है अपने पुत्र को मार रहा है, पत्नी अपने पति को मार रही है, अपने संतान को मार रही है, रेप के केसेस हो रहे हैं, आतंकवाद हो रहा है, कितनी कितनी जो घटनाएं हो रही है, इन सब का कारण है कि व्यक्ति का मन चंचल हो गया है। उस मन की चंचलता को मिटाने के लिए हमें अध्यात्म लाना चाहिए। वो अध्यात्म के मंत्र की, जप की और तप की साधना है। इसको बहुत से विस्तार में किया जा सके, इससे हमारा शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है। देखिए, दो तरह के नियंत्रण होते हैं। एक तो बाहर का नियंत्रण होता है, बुजुर्गों से नियंत्रण मिलता है, समाज से नियंत्रण मिलता है, सरकार से नियंत्रण मिलता है और हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो हमारे पे नियंत्रण करती है। हम अंकुश में रहते हैं, हम अनैतिकता नहीं करते, बदमाशी नहीं करते, लेकिन ये टेम्परेरी फेज है। लेकिन अगर परमानेंट जो हमें नियंत्रण करना है वो शोधन है। शोधन की प्रक्रिया भीतर होती है। भीतर शोधन करने से एक डाकू संत बन जाता है, एक व्यक्ति जो है संन्यास अवस्था को आ जाता है। इसीलिए कहा गया, जिसका भीतर बदल गया उसका सब कुछ बदल गया। भीतर क्योंकि भीतर हमारे जो शुद्ध आत्मा परमात्मा विराजमान है और वो परमात्मा 84 लाख जितने भी जीवित प्राणी हैं उस सब में एक सा ही परमात्मा है। उसके अंदर कोई भेद नहीं है, चींटी, बिल्ली, कौआ, पेड़ पौधा, मनुष्य, 33 करोड़ देवी देवता, ईसा मसीह और जो है भगवान राम, कृष्ण, महावीर, 24 तीर्थंकर, कुरान के जो है अल्लाह, किसी को देख लीजिए वो सारे एक से हैं क्योंकि वो शुद्ध रूप के अंदर है। और जो ये भेद दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, हर एक के अलग अलग शरीर है, वो अपने कर्मों के अर्जन के कारण है, कर्मों को भुगतान के कारण इसे परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें गंगोत्री में जाना चाहिए, हमें भीतर जाना चाहिए, हमें परमात्मा के जगत में जाना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और आज हमारे शहर के अंदर उसकी बहुत चर्चा है कि अच्छे अच्छे विषय दिखाए जा रहे हैं, उसमें लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, लोगों में बदलाव आ रहा है और हमारा उद्देश्य भी यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस विश्व के जो 7 अरब की जनसंख्या है उनको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और मोक्ष मिले और वो सिद्ध बुद्ध होकर के अक्षय सुख को प्राप्त करें। इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप शतायु होकर के परोपकार करें, जनता की सेवा करें, आपके प्रति मंगल भावना।